अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर हमने जो ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े थे सभी के सभी, वो कहाँ से ड्राइव होते थे, वो प्लांट्स और एनिमल्स से ड्राइव होते थे हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप हमारे पास एसिड्स आते हैं उनको हम ट्राई करते हैं। सेकेंड वन पर आता है मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कहाँ से फॉर्म होते हैं, मिनरल से यानी ड्राइव होते हैं, ठीक है। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स बेटा हमारे पास होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। यानी ज़मीन के अंदर जब आप खोदोगे तो आपको कुछ वहाँ पर मिनरल्स और ओर मिलते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल में से आपको जो एसिड मिलेंगे वहाँ पर उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब मिनरल एसिड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है HCl। HCl हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड नंबर पर आता है H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा होता है HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द मिनरल एसिड्स। समझ में आती है बात, यानी जिनके अंदर कार्बन का एसेंस ना हो, यानी कार्बन प्रेजेंट ना हो, वो हमारे पास सभी के सभी क्या कहलाते हैं, दीज आर द मिनरल एसिड। या जिनके पास हमारे पास कार्बन अगर किसी में प्रेजेंट होता है तो कार्बन वाले जितने भी एसिड होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं बेटा, वो वीक एसिड होते हैं। एक चीज़ याद रखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2SO4 को हम कभी कभार क्या बोलते हैं बेटा, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब किंग ऑफ एसिड इसलिए नहीं बोला जाता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एसिड है, ठीक है। इसके कुछ यूजेस होते हैं वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, इसलिए अभी पहले आप इसको समझिए कि हमारे पास H2SO4 को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे, आखिर किंग ऑफ एसिड इसे क्यों बोला जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास एसिड्स में देखिए, दो एसिड अभी हमने पढ़े, ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड वन इज मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं बेटा, नेचर में वीक होते हैं। कैसे एसिड होते हैं हमारे पास, दीज आर द वीक एसिड्स। मिनरल एसिड हमारे पास कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी पावरफुल होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे पास क्या हैं, कि नेचर मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम खा सकते हैं, याद रखना, यानी जितनी भी चीज़ हम खाते हैं नेचर में, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स वगैरह जो भी हैं, सभी के सभी हम ऑर्गेनिक एसिड्स थे और सभी के सभी को हम खा रहे थे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ईटेबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, वो सभी के सभी नेचर में कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अच्छो, तो हमने अभी क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पर मिनरल एसिड के बारे में पढ़ा था। मिनरल एसिड हमारे पास क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं नेचर में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना, सेकंड पार्ट इज बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं बेटा, बेसिस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर का मीन्स होता है कड़वा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं नेचर में, आगे देखिए, फील स्लिपरी टू द स्किन, यानी जब आप इनको स्किन पर रब करोगे तो ये कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, सोप की तरह। साबुन देखा है आपने, साबुन जो होता है बेटा, सोप आपका घर में, वो क्या होता है, एक तरह का बेस ही है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिस हमारे पास क्या होंगे, दीज आर द सब्सटेंसेज विच है विच टेस्ट क्या होता है उनका, बिटर होता है, और फील कैसे होते हैं, स्लिपरी टू द स्किन, ठीक है। यानी स्लिप हमारे पास स्किन पर होते हैं, ठीक है। बेसिस को हम क्या बोलते हैं, कभी कभार एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे बेसिस हमारे पास जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कलीज का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे पास बेसिस के एग्जांपल है, हमको देख लीजिए। पहला हमारे पास है NaOH। NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, जितने ही पीछे सोडा लिखे होंगे, सोडा का मतलब होता है सोडियम, यानी ऐसा कंपाउंड जो सोडियम से मिलकर बना है, उसको लिए हम क्या लगा देते हैं, पीछे सोडा लगा देते हैं, ठीक है। तो सोडा का मीन्स क्या होता है, ये सोडियम ही होता है। यानी ऐसे सॉल्ट या ऐसे बेसिस हमारे पास जो सोडियम से मिलकर बने होते हैं, हम क्या बोलते हैं, सोडा पीछे लगा देते हैं उनके, ठीक है। तो NaOH क्या हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। फिर नेक्स्ट आता है Na2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जिसका नाम क्या होता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सोडा मीन सोडियम, यानी सोडियम इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका यहाँ पर देखिए, इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। यानी जो खाने में आप इस्तेमाल करते हो, फूड जो हमारा फ्लफी होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए, ठीक है। अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही अभी, ठीक है। थैंक यू बेटा।